गुरुजी, नाम का क्या अर्थ है? नाम का सुमिरन कैसे होता है? इससे आत्मज्ञान कैसे संभव है? सृष्टि का सृजन आत्मा और प्रकृति के मिलन से हुआ है। परमात्मा का अंश आत्मा वह तत्व है जो कि अपरिवर्तनशील है, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य है। प्रकृति परिवर्तनशील है तथा विकार सहित है। सभी परिवर्तन प्रकृति में होते हैं, आत्मा में नहीं। प्रकृति में 5 तत्वों और 3 गुणों की प्रधानता है, परंतु आत्मा इन सब से परे है। निर्विचार चैतन्य, निर्विचार सजगता, शून्य चैतन्य, अंतःकरण आदि सब निःशब्द आत्मा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। संतों ने आत्मा को ही निःशब्द शब्द इसलिए कहा क्योंकि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव है। संत कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम के सुमरण से ही मुक्त हुआ जा सकता है। अब ये नाम है क्या? संसार में असंख्य धर्म हैं जिनके असंख्य मत हैं और सबके अलग अलग नाम। कोई गुरु अपने शिष्य को कुछ नाम बता रहा है तो कोई कुछ। ऐसे में यह दुविधा होना स्वाभाविक है कि असल नाम है क्या। ब्रह्मज्ञानी संतों ने जिस नाम की बात की है वह नाम कोई शब्द अथवा सांसारिक नाम नहीं है जो आप बुद्धि से जान सकेंगे। संसार में जितने भी शब्द हैं वो किसी न किसी भाषा से निर्मित हैं और भाषा काल के अंतर्गत है। भाषा तो मनुष्य ने स्वयं बनाई है, तो उसके द्वारा बताया गया नाम सत्य कैसे हो सकता है? जब नाम कोई सांसारिक शब्द ही नहीं है तो उस नाम का सुमरण भी बाहरी अथवा सांसारिक विधि से संभव नहीं है। किसी भी शाब्दिक नाम को रटते रहना केवल एक मानसिक क्रिया है, सुमरण नहीं। नाम तो निर्विचार जागरूकता है जिसमें सभी शब्द समाप्त हो जाते हैं, और इस निर्विचार जागरूकता में बने रहना ही सुमरण है। मन सदा काल में रहता है, अर्थात भूत अथवा भविष्य में। या तो भूतकाल के अनुभवों के बारे में सोचकर सुख अथवा दुख में ग्रस्त रहेगा, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में व्यस्त रहेगा। निर्विचार होते ही मन की मृत्यु हो जाती है। यह शब्दों का नहीं, अनुभव, जागरूकता, होश का विषय है। ऐसी जागरूकता में बने रहना कि मन भूत भविष्य के सभी अच्छे बुरे विचारों से रिक्त हो जाए, यही सुमरण है। संसार में संतों द्वारा बताई गई सभी साधनाएं इसी स्थिति में पहुंचाने का साधन मात्र हैं। निर्विचार जागरूकता अथवा होश रूपी दशा ही नाम है जिसके सुमरण से आत्मबोध संभव है। आत्मबोध ही आत्मज्ञान है। आत्मा में स्थित रहना ही आत्मबोध है।